नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ट्रू फैक्ट टीचिंग में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है होम्योपैथिक मेडिसिन मॉर्फिनम के सिम्टम। सबसे पहले हम आपसे अनुरोध करेंगे कि कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन द्वारा नहीं भूलें, जिससे कि हमारा अगला वीडियो अपनी आप सबसे मिलता रहे। होम्योपैथिक मेडिसिन मॉर्फिनम अफीम का एक खार द क्लाइड ऑफ ओपियम के सिम्टम। अफीम के साथ मॉर्फिनम अवधि का वैसा ही संबंध है जैसा कि बिलाडोना के साथ एट्रोपिन का संबंध है, अर्थात मॉर्फिनम अवधि का प्रयोग स्नायिक लक्षणों से संबंधित रोग से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए किया जाता है। किसी भी तरह का दर्द या दर्द के कारण रोगी को अधिक परेशानी हो रही हो और वह छटपटा रहा हो तो उसके रोग को ठीक करने के लिए एलोपैथिक चिकित्सक उसे मॉर्फिनम औषधि या हाइपोडर्मिक औषधि का इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं, जिससे रोगी 10 से 15 मिनट के बाद सो जाता है। होम्योपैथिक चिकित्सा में भी इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी का उपचार करने के लिए मॉर्फिनम औषधि का प्रयोग करते हैं। यदि किसी रोगी को बहुत ज़्यादा सोने की आदत हो या अधिक नींद आती हो लेकिन पूरी तरह से नींद नहीं आ रही हो, सोते सोते अचानक चौंक पड़ता है, एकाएक बेहोश हो जाता हो, ऐसा महसूस होता हो जो कि अब मृत्यु हो जाएगी, तो हाथ पैर कांपने लगते हैं और शरीर में अकड़न होने लगती है, तो ऐसे रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मॉर्फिनम औषधि का उपयोग करना चाहिए। मॉर्फिनम औषधि का प्रयोग निम्नलिखित लक्षणों के रोगी को रोग को ठीक करने में काफ़ी उपयोगी है, जैसे मन से संबंधित लक्षण। रोगी को बहुत अधिक निराशा होती है, रोगी चिड़चिड़ा स्वभाव का हो जाता है, वह हर समय दूसरे के दोष को खोजता है, वातोन्मादी यानी हिस्ट्रिकल की अवस्था हो जाती है, मानसिक परेशानी अधिक होती है तथा स्वप्न दोष की अवस्था हो जाती है। ऐसे रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मॉर्फिनम औषधि का प्रयोग करना चाहिए। सिर से संबंधित लक्षण, रोगी जब थोड़ा सा सिर को हिलाता है तो उसे चक्कर आने लगते हैं, सिर में दर्द होने के साथ ही ऐसा महसूस होता है कि सिर किसी कपड़े की पट्टी से बंधा हुआ हो, सिर के पीछे की ओर खिंचाव होता है तथा तेज दर्द होता है। ऐसे रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मॉर्फिनम औषधि का प्रयोग लाभकारी होता है। आंखों से संबंधित लक्षण, आंखों के आसपास का भाग नीला पड़ जाना तथा पलकें पलट जाना, आंखों में खुजली होना, आंखें बंद करने पर भ्रम पैदा होना तथा आंखों की दृष्टि कमजोर हो जाना, आंखों के सफेद भाग में खून जमा हो जाना, एक वस्तु कई भागों में दिखाई देना तथा उसके साथ ही नेत्र पटलों में सिकुड़न भी हो जाना, आंखों की दृष्टि अस्थिर हो जाना, आंखों की पलक लटक जाना, आंखों के भीतरी अंगों में लकवा का प्रभाव होना, इस प्रकार के आंखों से संबंधित लक्षणों में रोगी को यदि मॉर्फिनम औषधि दिया जाए उसका रोग ठीक हो जाता है। कान से संबंधित लक्षण, रोगी के बाएं कान में तेज जलन के साथ दर्द होता है लेकिन कान की सिकाई करने से कुछ आराम मिलता है। इस प्रकार के लक्षण से पीड़ित रोगी को कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि उसके सारे शरीर पर होने वाले रक्त संचार कंपन के साथ हो रहा है। ऐसे रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मॉर्फिनम औषधि का प्रयोग करना श्रेयस्कर होता है। चेहरे से संबंधित लक्षण, चेहरे के चारों ओर की त्वचा पीली तथा लाल पड़ जाती है, होठ जीभ और मुंह के अंदर घाव हो जाता है। इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए मॉर्फिनम औषधि का प्रयोग करना चाहिए। नाक से संबंधित लक्षण, रोगी को बार बार छींकें आती रहती है, नाक के नथुनों के आसपास के भाग में खुजली तथा सुरसुराहट होती है। इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए मॉर्फिनम औषधि का उपयोग लाभदायक है। मुंह से संबंधित लक्षण, रोगी का मुंह सूख जाता है तथा उसके साथ ही जीभ भी सूख जाती है
और जीभ के बीच का भाग कत्थई बैंगनी रंग का हो जाता है। प्यास अधिक लगती है, भूख नहीं लगती है तथा मांस खाने की इच्छा नहीं होती। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए माफिनम औषधि का प्रयोग करना चाहिए। गले से संबंधित लक्षण, रोगी का गला सूखा हुआ तथा सिकुड़ा हुआ हो जाता है। भोजन नली यानी ग्रसनी में लकवे जैसा रोग प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। किसी चीज को निगलना मुश्किल हो जाता है। गर्म पेय पदार्थों का सेवन करने से रोग के लक्षण नष्ट होने लगते हैं तथा ठोस पदार्थों का सेवन करने से रोग लक्षणों में वृद्धि होती है। ऐसे रोग को ठीक करने के लिए मॉर्फिनम औषधि का उपयोग फायदेमंद होता है। अमाशय से संबंधित लक्षण, रोगी को हरे रंग के तरल पदार्थ की उल्टियाँ होने लगती है। तथा उसके साथ ही लगातार जिम चलता रहता है। इसका लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मॉर्फिनम औषधि का उपयोग करना चाहिए। पेट से संबंधित लक्षण, रोगी का पेट फूला रहता है और पेट और मेरुदंड के भाग में तेज दर्द होता है। इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए मॉर्फिनम औषधि का उपयोग लाभदायक है। मलांध से संबंधित लक्षण, अतिसार रोग से पीड़ित रोगी का मल पानी कत्थई या काला रंग का होता है तथा उसके साथ ही पेट में मरोड़ भी उत्पन्न होती है। कब्ज की शिकायत होने के साथ ही मल सूखा गांठदार हो रहा हो तथा उसके साथ ही मलद्वार पर दरारें पड़ गई हों और मलद्वार पर कुचलने जैसा दर्द होता है। इस प्रकार मल से संबंधित लक्षणों में यदि कोई भी लक्षण किसी रोगी को हो गया हो तो उसके रोग को ठीक करने के लिए मॉर्फिनम औषधि का उपयोग करना चाहिए। मूत्र से संबंधित लक्षण, मूत्राशय के भाग में लकवा जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पेशाब करते समय तेज दर्द महसूस होना, पुरस्थ ग्रंथि बढ़ जाने के कारण पेशाब करने में रुकावट होना। इस प्रकार मूत्र से संबंधित लक्षणों में से यदि कोई भी लक्षण किसी रोगी को हो गया हो तो उसके रोग को ठीक करने के लिए मॉर्फिनम औषधि का उपयोग करना चाहिए। पुरुष रोग से संबंधित लक्षण, पुरुष रोग नपुंसकता रोग, रोगी में शम करने की शक्ति खत्म हो जाती है। दाएं भोजन नलिकाओं में दर्द होना, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी का उपचार करने के लिए मॉर्फिनम औषधि का उपयोग करना चाहिए। हृदय से संबंधित लक्षण, हृदय की गति ठीक प्रकार से न होना, हृदय की धड़कन कम गति से धड़कना। यदि रोगी अधिक शांत रहता है तो भी उसके हृदय की पेशियां चोटग्रस्त नहीं होती हैं। नाड़ियों में कमजोरी उत्पन्न होती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मॉर्फिनम औषधि का उपयोग करना चाहिए। श्वास स्थान से संबंधित लक्षण, रोगी को बेहोशी की समस्या होती है तथा सांस लेने में परेशानियां होती है, जिसके कारण रोगी छटपटाने लगता है, छाती पर लकवे जैसा प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, हिचकी आती है, दमा रोग की तरह की अवस्था उत्पन्न हो जाती है, सांस लेने की क्रिया अनियमित हो जाती है, छाती पर भारीपन महसूस होता है, छाती के बीच के भाग में दर्द होता है, छाती के बीच में दर्द होता है, कभी कभी खांसी भी उत्पन्न हो जाती है, थकेदार जमा हुआ बलगम निकलने लगता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए मॉर्फिनम औषधि का प्रयोग करना चाहिए। पीठ से संबंधित लक्षण, रोगी की मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, कमर में कमजोरी उत्पन्न हो जाती है, त्रिक प्रदेश के आर पार दर्द होता है जिसके कारण रोगी तन कर नहीं चल सकता है। इस प्रकार के लक्षणों से को ठीक करने के लिए मॉर्फिनम औषधि का प्रयोग करना काफ़ी फायदेमंद होता है। शरीर के बाहरी अंगों संबंधित लक्षण, रोगी की चाल लखड़ाने लगती रहती है, रोगी की चाल लखड़ाती रहती है तथा उसके साथ ही शरीर के कई अंगों में दर्द भी होता है तथा सुन्नेपन हो जाती है।
जिस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मॉर्फिनम औषधि का प्रयोग करना उचित होता है। त्वचा रोग से संबंधित लक्षण, त्वचा रोग, चर्म रोग, रोगी की त्वचा पर नीली और बैंगनी रंग के धब्बे पड़ जाते हैं तथा इस रोगग्रस्त भाग पर दर्द होता है। शरीर के कई अंगों में खुजली होती है, त्वचा में लचीलापन महसूस होता है। स्त्रियों को मासिक धर्म के समय में छपाकी रोग हो जाता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मॉर्फिनम औषधि का प्रयोग करना फायदेमंद होता है। नाड़ियों से संबंधित लक्षण, शरीर के कई नाड़ियों में कंपन, झटके लगते रहते हैं। रोगी को इस कारण से बेहोशी की भी समस्या हो जाती है। शरीर के कई भागों में दर्द होता है, अंगों में झटके लगते हैं, नाड़ियों में दर्द होने लगता है, अचानक बेहोश पड़ जाना, नाड़ियों में सूजन आना। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मॉर्फिनम औषधि का प्रयोग करना लाभदायक होता है। नींद से संबंधित लक्षण, रोगी को जम्हाई अधिक आती है, तेज नींद आती है या फिर ठीक प्रकार की नींद नहीं आना, बेचैनी होना, बार बार सोच जाना, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मॉर्फिनम औषधि का प्रयोग करना चाहिए। ज्वर से संबंधित लक्षण, ठंड लगकर बुखार आना, शरीर के कई अंगों में जलन होना तथा अधिक मात्रा में पसीना आना, ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मॉर्फिनम औषधि काफ़ी उपयोगी है। चंबन रिलेशन, केमो, ओपी, कॉफी तथा मास्कस औषधि कुछ गुणों की तुलना मॉर्फिनम औषधि से आप कर सकते हैं। मात्रा, मॉर्फिनम औषधि की 3 से 6 शक्ति तक के भी चूर्ण का प्रयोग रोग के लक्षणों को ठीक करने के लिए करना चाहिए। हम अपने अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण विषय पर जानकारियों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।